विकास सोनी करके नाम था और वो मुझे दबाव डाल रहा था कि मैं उससे मैरिड करना चाहता हूँ, और मैं बोली नहीं करना चाहूँगी, मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ करके, वो जिसने अगर नहीं करेगी तो मैं तेरे को जीने नहीं दूंगा करके उसने फायरिंग कर दी। कब से चल रहा था इस टाइम? ये करीब 6 महीने से बातचीत हो रही थी और वो दबाव करने के लिए 2 महीने से दबाव कर रहा था। आज आपके ऊपर गोली चलाने वाला आरोपी पकड़ा गया है, पुलिस ने पकड़ा, तो पुलिस के लिए आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? उनका तो धन्यवाद करूँगी कि इसलिए कि इसने तत्काल जाके मेरी बात सुनी और तत्काल आरोपी को पकड़ा गया, इसके लिए तो धन्यवाद कहना चाहूँगी पुलिस डिपार्टमेंट को। सजा दिलवाओगे क्या? ये विकास सोनी है वार्ड नंबर 20 का, और सोनू किन्नर है चनवारी डाल की किन्नर महिलाएं हैं जो गांव में और शहर में घूम घूम के जहां बच्चे होते हैं वहां गाना गाकर पैसा से अपना जीवन यापन करते हैं। उसके पीछे लगभग 6 महीना से विकास सोनी पड़ा हुआ था और उसको शादी करने के लिए बार बार दबाव डाल रहा था, और किन्नर उससे शादी करना नहीं चाहती थी। बार बार कई बार सोनू किन्नर उनके साथियों द्वारा समझाया भी गया, इसके बावजूद दिनांक 19/1/20 को रात्रि 8 बजे फोन करके विकास सोनी किन्नर को अकेले में बुलाया था, लेकिन वो अपने अन्य साथियों के साथ वहां पर पहुंची और ये विकास सोनी भी एक अपने साथी के साथ वहां पहुंचा और दोनों में विवाद हुआ और हत्या करने के उद्देश्य से देसी कट्टा जो लोहे से बना है उसमें फायर किया तो सोनू किन्नर बच गई। अभी आरोपी कहाँ? आरोपी और उसका साथी दोनों पुलिस हिरासत में हैं और इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आरोपी के पास से क्या क्या माल बरामद हुआ? आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस मिला है, मोटरसाइकिल मिला है, और आरोपी अपने साथी को कार छिपाने के लिए लोहे का कट्टा को दिया था उसको भी बरामद कर लिए और जल्दी कार्रवाई कर ली। किन्नर से एक तरफा प्यार में सिरफिरे आसिक ने शादी का दबाव बनाने के लिए देसी कट्टा से फायरिंग कर दिया। हालांकि इस घटना में सोनू किन्नर को गोली नहीं लगी। उसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विकास सोनी करके नाम था और वो मुझे दबाव डाल रहा था कि मैं उससे मैरिड करना चाहता हूँ, और मैं बोली नहीं करना चाहूँगी, मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ करके, वो जिसने अगर नहीं करेगी तो मैं तेरे को जीने दे दूंगा करके उसने फायरिंग कर दी। ये करीब 6 महीने से बातचीत हो रही थी और वो दबाव करने के लिए 2 महीने से दबाव कर रहा था। उनका तो धन्यवाद करूँगी कि इसलिए कि इसने तत्काल जाके मेरी बात सुनी और तत्काल आरोपी को पकड़ा गया, इसके लिए तो धन्यवाद कहना चाहूँगी पुलिस डिपार्टमेंट को। ये विकास सोनी है वार्ड नंबर 20 का, और सोनू किन्नर है चनवारी डाल की, उसके पीछे लगभग 6 महीना से विकास सोनी पड़ा हुआ था और उसको शादी करने के लिए बार बार दबाव डाल रहा था, और किन्नर उससे शादी करना नहीं चाहती थी। बार बार कई बार सोनू किन्नर उनके साथियों द्वारा समझाया भी गया, इसके बावजूद दिनांक 19/1/20 को रात्रि 8 बजे फोन करके विकास सोनी किन्नर को अकेले में बुलाया था, लेकिन वो अपने अन्य साथियों के साथ वहां पर पहुंची और ये विकास सोनी भी एक अपने साथी के साथ वहां पहुंचा और दोनों में विवाद हुआ और हत्या करने के उद्देश्य से देसी कट्टा जो लोहे से बना है उसमें फायर किया तो सोनू किन्नर बच गई। आरोपी और उसका साथी दोनों पुलिस हिरासत में हैं। आरोपी के पास से एक जिंदा कारतूस मिला है, मोटरसाइकिल मिला है, और आरोपी अपने साथी
को कार छिपाने के लिए लोहे का कट्टा को दिया था, उसको भी बरामद कर लिए हैं।